होंडा एक वो कंपनी है जिसकी समाज परिकल्पना करता है, इस बात की गारंटी स्वयं इससे जुड़े बेहतरीन प्रोडक्ट्स करते हैं। तभी तो होंडा विश्व में और भारत में लोगों की पहली पसंद बन चुका है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अर्थात जापान की पूरी तरह भारतीय स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। भारतीयों के इसी प्रेम और विश्वास को ध्यान में रखते हुए सन 1999 में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हरियाणा राज्य के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के मानेसर में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। तब से लेकर आज तक ये कंपनी निरंतर उच्चतम क्वालिटी के टू व्हीलर प्रस्तुत करने के साथ ही देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ये अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक तकनीक के स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स एवं स्पोर्ट्स बाइक्स आदि का निर्माण करती है। होंडा कंपनी न सिर्फ उच्चतम क्वालिटी के दुपहिया वाहन बनाती है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझाते हुए ये कंपनी समय समय पर अनेक आयोजन करती रहती है जिसका समाज को अत्यधिक फायदा होता है और लोग इसकी योजनाओं का स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में एक शानदार आयोजन होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की टपूकड़ा जिला अलवर राजस्थान में स्थित प्लांट में 19 सितंबर 2017 को एक भव्य ट्रक ड्राइवर दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें 300 से भी अधिक ट्रक ड्राइवर्स ने जोश एवं उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के टपूकड़ा प्लांट के सीनियर मैनेजमेंट एवं उनके सहयोगियों के द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस मौके पर इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजनकर्ता एवं होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डिवीजन हेड सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। सभी लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सभी लोग महत्वपूर्ण है, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। होंडा ने लास्ट मंथ अगस्त मंथ में 6 लाख से भी ज्यादा स्कूटर और मोटरसाइकिल डिस्पैच की है जो आप लोगों के सहयोग से सक्सेसफुल हो पाया। थैंक यू। मेरे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं होंडा मोटरसाइकिल के तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारा मान सम्मान बढ़ाया। होंडा का सबसे ज़्यादा है 99% हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट से ही करते हैं और उस रोड ट्रांसपोर्टेशन को चलाने के लिए जो पीछे हाथ है वो आप लोगों के मजबूत हाथ है, आप सब ड्राइवर भाइयों का मजबूत हाथ है। हमेशा कुछ लोग होते हैं जिनका योगदान तो भरपूर होता है पर कई बार समाज उनको अनदेखा कर देता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है या उनकी उपयोगिता कुछ कम है। कई बार जितना हम उनके बारे में जानते या समझते हैं उससे कहीं बढ़कर उनका योगदान होता है। ऐसे ही खास लोग हैं हमारे ट्रक ड्राइवर्स जिनके योगदान को सराहने और सम्मानित करने की होंडा ने एक पहल की है। जब ट्रक का पहिया घूमता है तो देश के विकास का पहिया घूमता है, इसीलिए ट्रक ड्राइवर्स का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि जान है तो जहान है। इसी बात को दिखाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। अबे शराब पी के चलते हो, तुम्हें पता होना चाहिए शराब पीने के बाद इंसान की सोचने की शक्ति खराब हो जाती है। तो खराब है क्या? शराब पी के चलते हैं? नहीं, शराब पी के हम चलते ही नहीं। हाँ, बैठ जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी चलती है। हाँ। भैया इंडिकेटर चलाओ, इंडिकेटर। हाँ देखो इंडिकेटर तुम्हारे फ्यूज है। अरे साइड कैसे मांगोगे? अरे बहुत आसान है यार, क्या जरा सी बात के लिए इंडिकेटर जलाओ। अरे बीड़ी जलाओ, उधर। अब हुआ ये कि जब दुर्घटना हुई तो वहाँ प्रेस वाले पहुँचते हैं, इंश्योरेंस वाले पहुंचते, वो गाड़ी का फोटो खींचते, अंदर की मोटरसाइकिलों का फोटो खींचते, उसके बाद क्या होता है, कंपनी को इंश्योरेंस, ट्रक को इंश्योरेंस। अरे यार तुम सड़क पर मर गए तो तुम्हारा क्या? अरे तुम्हारे बच्चे जो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, वो बेचारे उसी ढाबे पे जहाँ पे तुम खाना खाते हो वहीं पे बर्तन मांजेंगे। किसकी गलती की वजह से? अपनी छोटी सी गलती की वजह से। ट्रक को सही नहीं रखते हो, चलने से पहले ट्रक का मेंटेनेंस नहीं चेक करते हो, हवा पानी नहीं चेक करते हो, जिंदगी भर राम भरोसे चलते हो, जब चाह दारू पी ली, जब चाह कुछ भी कर लिया। अरे मेरे भैया तुम सुरक्षित तो तुम्हारा परिवार सुरक्षित, बस ये समझ लो। बात तो ये सही कह रहे हैं।
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश की ही एक और सम्मानित मोटर कंपनी टाटा मोटर्स की ओर से भी प्रतिनिधि आए हुए थे। उन्होंने सेफ्टी और अपनी गाड़ी को बेहतर रखने के तरीके सुझाए। मस्ती में झूमते मीलों का सफर, बेफिक्री के धुएं में उड़ाते चले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स असल में दिल के कितने भोले और स्वभाव के कितने मिलनसार होते हैं, इसका अंदाजा मिला अवांत गार्ड अकेडमी द्वारा आयोजित गेम्स शो के माध्यम से। बलून फुलाने से जहां उनको अपनी सांसों की ताकत का पता चल रहा था, वहीं मोमबत्ती जलाने से एकाग्रता का अंदाजा लग रहा था और साथ ही उन्होंने अपने हाथों की ताकत भी दिखाई। ऐसे ही अनेक और खेल खुद उनको स्वयं से रूबरू कर रहे थे। एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में एकाग्रता और ताकत दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, या यूं कह लीजिए कि इसी पर किसी ट्रक ड्राइवर की जिंदगी टिकी होती है। ऐसे में मनोरंजन के साथ खुद को जानने का मौका उपस्थित ट्रक ड्राइवर्स को मिला तो उन्होंने इसका भरपूर लाभ भी उठाया, पर अभी कुछ खास होना बाकी था। टपूकड़ा जिला अलवर राजस्थान के इस प्लांट में नियमित बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर्स आते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आगे के सफर पर निकल जाते हैं। ऐसे में इन देश के गतिमान पहियों को थोड़ा सा विश्राम और सुविधाएं देने के लिए एक विशेष विश्राम गृह का उद्घाटन किया गया। इसमें स्वच्छ टॉयलेट्स के साथ ट्रक ड्राइवर के लिए खाना बनाने एवं विश्राम के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। ये सच में कितना सराहनीय कदम है, खुद ट्रक ड्राइवर्स के मुंह से सुनिए। इस यादगार शाम को याद रखने के लिए और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए वृक्षारोपण भी किया गया। पहियों का सफर जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इन मस्त मौला और अपनी ही धुन में रमने वाले लोगों को देखकर लगता है कि अगर सड़कें देश की नसें हैं तो निसंदेह ये ट्रक ड्राइवर्स उसमें दौड़ता लहू हैं। तो इनके इसी जज्बे को हम सभी सलाम करते हैं।